हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल के पेपर्स तो आज हम आपके लिए लाए हैं टेंथ क्लास का इंग्लिश पेपर जो कि आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोनज ऑफ यूटी टी आप जम्मू एंड कश्मीर में इस वीडियो में हम यही पेपर आपसे डिस्कस करेंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर हम इस पेपर की बात करें तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटीन होते हैं टोटल टाइम आपको तीन घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स यहां पर एट्टी होते हैं सबसे पहले यहां पर है सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसमें पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नीचे है इन चाइल्ड हुड आई स्टूड एलोन इन माई कोर्ट यार्ड एंड वेवस ऑफ ईयर ब्रॉ द साउंड ऑफ सिम्बल वी रेग्रेट दैट द डेज गॉन बाई डोंट रिटर्न हाउ टू कॉल बैक टाइम पास एंड गॉन द इवनिंग प्रपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लेप ऑफ नाइट स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज दिकाइज फीट टच द्राउंड सो इसी के रिलेटेड अब नीचे क्वेश्चनज हैं पहला क्वेश्चन यहां पर है वट मेमोरीज ऑफ चाइल्ड हुड इज द पॉइंट रिम्बरिंग सो इसका आंसर ऊपर एक्सट्रैक्ट में दिया गया है इसका आंसर आएगा स्टैंडिंग एलोन इन द कोट यार्ड एंड एक्सपीरियंसिंग द साउंड ऑफ सिम्बल कैरियड बाई वेवज ऑफ एयर दूसरा क्वेश्चन यहां पर है वट डज द पॉइट रेगरिट इसका जो आंसर आएगा वो है द पॉइट रेगरिट इज दैट द डे इज गॉन बाई डोंट रिटर्न तीसरा पार्ट यहां पर है इन लाइन फोर टाइम पास्ट एंड गॉन रेफर्स टू इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डे इज गॉन बाई फिर यहां पर है पार्ट फोर वट इज़ द थीम ऑफ द पॉइम इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लोनलीनेस पार्ट फाइव यहां पर है वट इज़ द राइम सिकीम ऑफ द पॉइम सो आपको यहां पर पॉइम की राइम सिकीम बतानी है शायद इसमें कोई भी राइम सिकीम नहीं है सो so, ये था क्वेश्चन नंबर वन अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टू रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सो यहाँ पर नीचे और एक पैसेज दी गई है ये आपको पढ़नी है और लास्ट में इसी के रिलेटेड फिर क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके आपके फिर यहाँ पर आंसर्स बताने हैं मैं यहाँ पर पैसेज स्लोली स्क्रॉल करूँगा अगर किसी को पढ़नी है तो वो वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ सकता है So, आप इसी पैसेज के रिलेटेड नीचे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है मैंशन सम चैलेंजेस फेसड बाई स्लम चिल्ड्रन विद रिगार्ड टू एजुकेशन इसका आंसर ऊपर पैसेज में लिखा गया है इसका आंसर आएगा ओवर क्राउडड क्लास रूमज पोर सैनिटेशन लैक आफ बेसिक कम्यूटीज़ इनसुफेंट एक्सेस टू लर्निंग मेटीरियल एट्सट्रा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू गर्ल्स इन स्लम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी अर्ली मैरेज एंड डोमेस्टिक रेस्पॉसिबलिटीज़ फिर यहां पर है पार्ट थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हेम्पर्स एजुकेशन इन सलम इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लैक ऑफ लर्निंग मटीरियल पार्ट फोर यहाँ पर है विच वर्ड इन पैराग्राफ थ्री मीनस डेंजर और थ्रेट इसका आंसर जियो पेराडाइजिंग पार्ट फाइव यहां पर है वट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज सो पैसेज का जो सुटेबल टाइटल आएगा वो है एजुकेशनल चैलेंजेस इन सलमस इसके और भी टाइटल्स आएंगे जिसने भी रेलिवेंट आंसर लिखा होगा उसको मार्क्स मिलेंगे सो so, यहाँ पर हर एक पार्ट का आपका एक एक मार्क है सो so, टोटल आपके पांच मार्क्स है इस क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सो नीचे आप एडवर्टीजमेंट देख ही सकते हैं जो कि ड्रग एब्यूज के रिलेटेड था सो so, ये आपको पूरी तरीके से पढ़ना था अब यहां पर नीचे एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सो पहला क्वेश्चन यहां पर है हैज़ पब्लिश द गिवन एडवर्टीजमेंट इसका जो आंसर आएगा वो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दूसरा पार्ट यहां पर है लिस्ट एनी टू डेटरमेंटल इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज इसका जो आंसर आएगा वो ऊपर एडवर्टीजमेंट में दिया गया है सो इसका जो आंसर हम यहां पर लिखेंगे वो है लॉस ऑफ मेंटल पीस और रिवोना फैमिली एंड लाइफ उसके बाद तीसरा पार्ट यहां पर है एक्सप्लेन ब्रीफली ड्रग्स आर डेडली सो ऊपर जो आपके ड्रग्स के इफेक्ट दिए गए हैं आपको वही यहां पर लिखने थे अगर किसी ने अपने अल्फाजों में भी यहां पर लिखा होगा तो वो भी ठीक है उसके बाद फोर्थ पार्ट यहाँ पर है द एडवर्टीजमेंट इज इशूड टू कोमरेट इसका जो आंसर आएगा वो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज कोममरेट का मतलब है सेलिब्रेट ये किसके बारे में सेलिब्रेट किया जाएगा सो so यहाँ पर आएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज उसके बाद पार्ट फाइव यहाँ पर है होम शुड वी कॉल इफ वी हैव टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग्स इसका भी आंसर ऊपर एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है नीचे जो कि है कॉल वन जीरो नाइन जीरो सो so, यहाँ पर भी आपके हर एक पार्ट का एक एक मार्क था सो so, टोटल इस क्वेश्चन में पांच मार्क्स थे सो so, ये था सेक्शन ए अब यहां पर है सेक्शन बी ग्रामर फोर्थ क्वेश्चन यहां पर है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स सो यहां पर नीचे ब्लैंक्स में आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डालनी है जो जो ब्रैकेट्स में यहां पर हिंट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डालनी है यहां पर नीचे लिखा है इट वॉज ऑनली बिकॉज ऑफ फेथ दैट जूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए होल लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स तो पहले ब्लैंक में यहां पर आएगा हेड स्ट्रगल हैड स्ट्रगल टिल दे शेड द लॉस ड्रॉप ऑफ देर ब्लड एंड डैश इंडिया यहां पर आएगा फ्रीड तो दूसरे ब्लैंक में यहां पर आएगा फ्रीड एंड फ्रीड इंडिया फ्राम द क्लच ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उसके बाद यहां पर है फेथ डैश द ग्रेट तो तीसरे ब्लैक में यहां पर आएगा प्रॉम्पटड तो यहां पर आएगा फेथ प्रॉम्पट द ग्रेट अलेक्जेंडर टू मार्च अलॉन्ग हिज ट्रूप टू कॉन् द होल वर्ल्ड सो इसके आपके टोटल यहाँ पर तीन मार्क्स होते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव यहां पर है रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इंडायरेक्ट फॉर्म सो नीचे यहां पर डायरेक्ट फार्म में पैसेज दी गई है आपको ये इंडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है सो यहां पर पैसेज है द क्विन सेड इज़ माई डार्टर डेड

सो so, यहां पर पैसेज है किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सिट सिट की जगह यहां पर आएगा एंड सैट डाउन एट द वे साइड वाचिंग ए ए की जगह यहां पर आएगा दे वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे अप एंड वायर एक्सटिंगश अगेन सो so, तीसरे पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई मिस्टेक है उसके एट लास्ट पर फोर्थ मिस्टेक है एट so, का यहाँ पर कर ली है इसके आपके टोटल चार मार्कस होते हैं। so, ये सो सेवंथ क्वेश्चन है टू फ्रेंड्स बानू एंड मुश्ताकर्स अबाउट कैरियर चॉइसेस फॉलोइंग इज द बिगनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन कंप्लीट इन हंड्रेड टू वन टी वर्ड सो नीचे यहाँ पर बानू और मुश्ताक के दरमियान कन्वर्सेशन हुई है इसी के अकॉर्डिंग आपको एक डायलॉग लिखना था हंड्रेड टू वन ट्वेंटी में उसके बाद यहाँ पर है एट्थ क्वेश्चन मिस्टर जमील खान ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट टू ओपन ए नर्सरी स्कूल नेमली लव डिल नर्सरी सकूल ही आस्कज यू टू ड्राफ्ट एंड नोट्स इन नाट मोर दैन फिफ्टी वर्डस आन हज बिह ट अवज पेपर गिव नैसेसरी डिटेल विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्फार्मेषन पुट द वर्डस इन अ बॉक्स नाइनथ क्शन यहां पर है युअर मदर हैज कम होम फ्राम ड्यूटी यू आर गोइ टू युर फ्रेंडस हाउस टु प्रपेर अ क्लास प्रोजेक्ट विद हर स्लेश हम इन्फॉर्म युअर मदर थ्रू अ मैसेज एबाउट दिस रिकोस्टिंग हर टू कॉल यू एज सोन एज शी गेट इज होम एंड आलसो टेल हर एबाउट युवर टाइम टू रिटर्न सो यह आप को फिफ्टी वर्ड्स मैं लिखम थी उसके बाद यहां पर है क्वेश्चन नंबर टेन अटम्प्टनी वन ऑफ द फॉलोइंग सो यहां पर पहला पार्ट है यू आर आकाश लिविंग एट वन जीरो वन मनसरो पार्क सोपोर यू आर अपसेट ओवर द इंडस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर इन अबाउट वन फिफ्टी वर्ड ऑन द नीड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रर्थलेस कटिंग ऑफ ट्रीज दूसरा पार्ट इसमें है स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड राइट एन एप्लीकेशन इन नॉट मोर देन वन फफ्टी वर्डस फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर सो यहां पर आपको नीचे ये एडवर्टीजमेंट पढ़ना है इसी के रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी इन नॉट मोर देन वन फिफ्टी वर्डस क्वेश्चन नंबर अलवन यहां पर है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सो पहला पार्ट इसमें है राइट ए स्पीच इन एटी टू हंड्रेड वर्ड्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन यू कैन यूज द फॉलोइंग हिटस सो नीचे यहां पर हिंट्स दी गई है आपको इसी के रिलेटेड एक स्पीच क्रिएट करना है एटी टू हंड्रेड वर्डस में उसके बाद पार्ट सेकेंड यहाँ पर है टेकिंग हेल्प फ्राम द कल्यूज़ गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शन सो यहाँ पर नीचे ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड क्ल्यूज़ दिए गए हैं आपको इसी के रिलेटेड एक आर्टिकल लिखना था या तो आपको ऊपर स्पीच लिखना था या आपको आर्टिकल लिखना था दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना था सो so ये था क्वेश्चन नंबर अलैन उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फॉलोइंग आर दिंट्स इट इन टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी वर्ड गिव दिस स्टोरी सो यहाँ पर हम टाइटल स्टोरी को देंगे द दे टलेस्ट स्टिक या आप कोई और भी टाइटल इसको दे सकते थे सो so, अब यहां पर है सेक्शन डी लिटरेचर इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आंसर थ्री ऑफ द फॉलोइंग सो आपको यहां पर इनमें से सिर्फ तीन ही करने थे पार्ट वन यहां पर है वट वाज क्यूरियस एपिसोड दैट टूक प्लेस इन द दलर्जी स्टडी हाउस उसके बाद दूसरा पार्ट है एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ तीसरा पार्ट यहां पर है आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन ही टोल्ड हिज फादर एवर हु सेज इट एंड वाई फोर्थ क्वेश्चन यहां पर है हु इज डिज एज द लर्नड काउंसलर वाई हैज ही कम टू द कोर्ट ऑफ वेनस पार्ट फाइव यहां पर है वाई डज मिसिज बेनट थिंक दैट मिसिज लॉन्ग इज सेल्फिश सो इनमें आपको टोटल तीन ही करने थे हर एक पार्ट के इसमें तीन तीन मार्क्स थे सो so, टोटल आपके नाइन मार्क्स थे इस पूरे क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहां पर है आंसर थ्री ऑफ द फॉलोइंग सो यहां पर भी आपको तीन ही करने हैं पहला पार्ट यहां पर है वीजलैंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास एक्सप्लेन दिस सिमली यूज बाई द पॉइंट दूसरा पार्ट यहां पर है लॉर्ड यू आर माई होप एण्ड ट्रस्ट लीड मी टू दे ऑफ ट्रूथ हाउ लॉन्ग शेल आई डिवल इन इग्नोरेंस पोअर मी दैक्टर ऑफ नॉलेज लेंड इयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्यूर मी ऑफ इलेज एंड पेनज सो इसमें आपको नीचे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेटाफोर्स यूजड इन द एबुलाइनज पार्ट थर्ड यहां पर है माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फार ए नोज एंड रिलियो ट्रेलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज बिलिंडर वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिक चेजड लाइनज डाउन द स्टेयरस मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेंज सो so, यहां पर क्वेश्चन है पिक आउट द सिमलीज फ्रॉम द अबो लाइनज सो so, यहां पर आपको सिमलीज निकालनी है इस एक्सट्रैक्ट में उसके बाद यहां पर है पार्ट फोर वट इमेज डज द पॉइट यूज टू डिस्क्राइब डेथ इन द पॉय माई मदर एट सिक्सटी सिक्स उसके बाद फिफ्थ पार्ट है सोशल आई टेक माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड किंडल माई विल टू फ्लेम दैट शेल कंज्यूम दियर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंटस इसमें नीचे क्वेश्चन है वट डू यू थिंक टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट मीनज सो इसमें आपके हर एक पार्ट के तीन तीन मार्क्स है इसमें भी आपके टोटल नाइन मार्क्स होते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहां पर है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनज सो यहां पर आपको सिर्फ एक ही करना है सो so, पहला पार्ट यहाँ पर है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जरासिम दूसरा पार्ट यहां पर है बोलीज हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद द न्यू होप एंड न्यू लाइफ वट वाज द न्यू होप एंड द न्यू लाइफ कॉमिट तीसरा पार्ट यहाँ पर है वट वाज दाज ऑफ माटल डाज रून हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट सो so, यहां पर आपके टोटल छह मार्क्स थे इस क्वेश्चन में उसके बाद यहां पर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही करना था पहला पार्ट यहां पर है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया दूसरा पार्ट है ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल इसके भी आपके टोटल छह मार्क्स थे सो so, ये था इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना